व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपाशा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, मैं वीडियो में पूरा नहीं कर पाती हूँ, अपना मैं 100 देती हूँ, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि नॉलेज लोगों तक पहुँचती जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लिनटॉप जेल के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी एडेपल सी, जो सेम एक्ने पिंपल के लिए थी। वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगी, आप जाके वो मेरी वीडियो चेक कीजिएगा। सेम इसी तरीके से क्लिनटॉप जेल भी है, इसमें जैसे कि मेंशन भी है एक्ने और पिंपल के लिए। एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिंपल एक टाइम के लिए ठीक है अगर आप अपना डाइट अच्छा रखते हैं या आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो पिंपल ठीक है, आना कम हो जाता है, या फिर आया है तो वो जल्दी चला जाता है, ठीक हो जाता है। एक्ने सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, एक्ने प्रॉब्लम जो आते तो हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं और ठीक नहीं होते हैं बिना आपको मेडिकल से हेल्प या आयुर्वेदिक से आप किसी तरीके से अगर अपना ट्रीटमेंट ना करवाए तो वो अपने आप ठीक नहीं होते। वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके लिए नॉर्मली अगर बताया जाए कि कम करने के लिए या हो गए हैं तो आसानी से ठीक करने के लिए ये जो जेल है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए इस्तेमाल। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको प्रिवेंट करता है एक्ने पिंपल होने से आपके फेस पे, अगर आ गए हैं तो वो ठीक करता है। और फ्यूचर में आने वाले कुछ भी एक्ने पिंपल होने वाले समस्याओं से प्रिवेंट करता है। और जो जर्म्स होते हैं, जो एक्ने कजिन जो जर्म्स है, उन सबको रिमूव करता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो मैंने खुद यूज़ किया है, मैं अपना ही रिव्यू देती हूँ कि ऑयली स्किन हो जाती है। मैं इसको मैं इसमें बताऊँगी भी आपको कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो उस तरीके से मैं जब इसे इस्तेमाल करती थी तो मेरे को मेरे स्किन पे लगता था कि ऑयल, एक तो मेरी वैसे ही ऑयली स्किन है और इसको लगाने से और ज़्यादा मुझे फील होने लगता था। अगर मैं आपको बात करूँ अगर इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है, इसका प्राइस 101 रुपये अप्रॉक्स, 101 रुपये, 102 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। या नॉर्मल मार्केट में क्वांटिटी की बात करूं तो 20 ग्राम की क्वांटिटी में है। और अगर मैं बताऊं कि आपको ये यूज़ कैसे करना है, दिन में मत कीजिएगा क्योंकि दिन में आप आते जाते हैं और आपको उस तरीके से आप इससे नहीं रह पाएंगे। अगर आप घर में रहती हैं तो एक बार कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बेस्ट रहेगा कि आप नाइट में जब आप सोने जाती हैं तो आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कीजिएगा, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा लगा के अच्छे तरीके से मसाज कीजिएगा। देन अगर मैं आपको इसका बता दूँ तो इसका, जैसे कि देख लीजिए, मैंने इसे इस्तेमाल किया है, दिखने से भी लग रहा है कि इसे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैं अभी मेरे को हो रखा है एक्ने। जैसे इसका पिंक कलर का सोल्यूशन अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसका लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन निकलता है। इसको मैंने इतना इस्तेमाल किया, निकल भी नहीं रहा, जैसे देख लीजिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है। सेम जैसे एडेपल का था जेल मेरा, सेम उसी तरीके उसका जो सॉल्यूशन होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसका पिंक कलर का है। और इसमें एक और अगर मैं आपको बोलूँ एडवांटेज, तो इसमें ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छा दिया गया, बहुत मतलब भीनी भीनी से खुशबू है वो अच्छी। आप इसे नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सुबह उठ के आप अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछिएगा, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू गाइस। और दोबारा मैं कहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देती हूँ मेडिसिन के बारे में, वो जो मैंने खुद इस्तेमाल किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।